वेलकम। बेसिक कैलकुलेशन के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। बेसिक कैलकुलेशन में हमने तरह तरह के केसेस के लिए मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ किए, लेकिन मुझे बार बार फील हो रहा था कि जो बेस मेथड की चर्चा मैंने की थी उसमें हाफ ऑफ द बेस पर थोड़ी कम चर्चा हुई थी और आप स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि हाफ ऑफ द बेस को आज इस स्पेशल सेशन में समाप्त ही कर दूं, आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। स्पेशली हाफ ऑफ द बेस पर बात करेंगे। बेस मेथड हो चुका है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा हाफ ऑफ द बेस पर आएंगे। हाफ ऑफ द बेस का मतलब क्या है? तो जैसे बेस 100 और बेस 1000, इससे अबव बिलो वाले टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही 100 जो बेस है उसका हाफ यानी 50 के आसपास टू नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 जो बेस है उसका हाफ यानी 500 के आसपास जो नंबर्स हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं पर आज हमारा ये सेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। आइए एक बार मैं फिर से रूल आपको समझा दूं, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उन सबको सॉल्व किया जाएगा। इसमें कहीं कोई रफ वर्क नहीं होगा, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर निकलेगा। लेकिन पहले मैं रूल ठीक से एक्सप्लेन कर दूं ताकि पहली बार भी अगर कोई देख रहे हों तो उन्हें ये साफ साफ समझ में आए। आइए, रूल क्या है कि टू नंबर्स, मान लीजिए कि 52 है एंड 54 है और इसे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, ये हमें निकालना है। इसका बेस क्या हुआ? 50 से अगर ज्यादा है, अबव है तो प्लस और बिलो है तो माइनस। हाउ मच अबव? तो प्लस 2। अगर ये 48 होता तो माइनस 2, ठीक है। 54 या बेस से कितना ज्यादा है तो प्लस 4, तो प्लस 4। अगर ये 46 होता तो माइनस 4, ठीक है। विथ साइन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 इंटू 2, 8। लेकिन बेस के अनुसार प्लेसेस होते हैं। बेस अगर 50 है तो 100 वाला नेचर लागू होगा, यानी कि 2 प्लेसेस होंगे, हम लोग 0, 8 लिखेंगे और डायगोनली सम करेंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। सम का मतलब होता है प्लस है तो ऐड करना और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसको समझे, बेस से अबव होने से प्लस होता है, बिलो होने से माइनस होता है। डायगोनली सम करते हैं, यानी प्लस है तो ऐड करते हैं, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो 54 प्लस 2 कितना हुआ? 56। ये 56 जो हुआ, आप समझिए पहले, जो 56 हुआ, चाहे आप ऐसे करें, 54 प्लस 4 56। अगर यहां पर माइनस 4 होता तो 54 माइनस 4 होता तो 48 होता, समझ गए। अब ये जो आया ये बेस होता है। बेस क्या है? 50 है। 50 का नोट अगर आपके पास 56 हो तो कितना होगा? आप जानते हैं 50 का नोट 2 हो तो 101 होता है, 50 का नोट 8 हो तो 104 होता है, 50 का नोट 16 हो तो 108 होता है, 50 का नोट अगर 56 हो तो 128 होगा। 2808 is the answer। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं करता हूं, मान लीजिए कि अगर हमें सॉल्व करना होता 504 को 508 से, तो हम लोग क्या बोलते? बेस क्या है? 500। उससे कितना अबव है? प्लस 4। अगर ये 496 होता तो माइनस 4। ये कितना अबव है? 8। हम लोग जो कुछ भी आएगा, ये 1000 बेस है इसलिए 3 प्लेसेस हैं, क्योंकि 1000 हम लोग बोलने वाले हैं। तो 4 इंटू 8 32, तो ये हुआ 032। क्यों 032? क्योंकि हमें 1000 बोलना है। तो कुछ भी 1000 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, तो 32 को बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा 032। डायगोनली सम कीजिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो ये 4 और 508, ये कितना हुआ? 512 का नोट हुआ, तो 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 512 जो है वो 1000 का नोट, 500 का नोट हुआ।
तो उसका हाफ हो जाएगा ना 1000 करोड़, 500 का मतलब 250 और 12 का मतलब 6, यानी 256,032 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया? मैं और कुछ एग्जांपल पहले समझा दूं फिर डायरेक्ट जाऊंगा क्वेश्चन पर, ठीक है। मान लीजिए कि ये 498 होता, ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कुछ ऐसा 493, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस से कम है, बिलो है, हाउ मच बिलो, तो -2 बोले, हाउ मच बिलो तो -7 बोले, -(-) +, 7 × 3 = 14, 7 × 2 = 14, हम लोग लिखेंगे 014। क्यों? क्योंकि 1000 वाला नेचर लागू होगा, 500 मतलब 1000 का हाफ है, इसलिए 1000 वाला। अब डायगोनली सम कीजिए, प्लस है तो ऐड कीजिए, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो अच्छा लगे ये करेंगे तो क्या आएगा 491। ये 491 क्या होगा, 500 का नोट होगा, उसमें से एक 500 का नोट को उठा के यहां रख दीजिए तो 514 हो गया। आपके पास क्या बचा, 490 का नोट, दैट मीन्स 245,514। बोलिए होगा या नहीं, ये समझ में आया? फिर जो काम हम लोग ऐसे लिखते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि उस तरह से कर सकें, हम लोग जैसे कि कंप्यूटर में सॉल्व करना रहेगा, स्क्रीन पर सॉल्व करना रहेगा, क्या रहेगा कुछ ऐसा। तो हम लोग समझ लीजिए कि 50 से ये कितना ज्यादा है, +2 यहां पर लीजिए तो 59 होगा, 57 + 2 = 59, 50 का नोट हुआ, उसमें एक 50 का नोट को यहां रख दीजिए, क्या बचा उसके बाद 58 बचा, 58 का मतलब 2950, और ये +7 × +2 कितना होगा 14, 14 का मतलब हुआ 14 ऐड कर दीजिए 64, दिस इज द आंसर। ये समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन पर आऊं, अब मैं सारे क्वेश्चंस पर आता हूं, रेडी? हाँ, इसमें एक केस और है, वो भी पहले देख लीजिए फिर क्वेश्चन पर जाता हूं। मान लीजिए 499 है और हमें 503 को मल्टीप्लाई करना है, ये बेस से अबव और बिलो है, अबव और बिलो जब होता है तो हम लोगों को लेस करना पड़ता है। इसको मैं पहले ऐसे समझाता हूं, 503 कुछ ऐसे, बेस से क्या है, कम है -1, क्या है ज्यादा है +3, डायगोनली सम कीजिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 503 में 1 लेस होगा 502, 502 अगर 500 का नोट है तो इसका मतलब हुआ 500 का हाफ 250 और 2 का हाफ 1000 हुआ आपके पास, +(-) -3 × 1 = 3, इसे लेस करना है। कैसे लेस करेंगे, 250,000 हुआ और 1000 लेके 3 लेस करेंगे तो 997 हुआ। बोलिए समझ में आया या नहीं, ठीक है, ये समझ गए? अब इसी काम को बिना इस तरह से लिखे हुए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, जब भी दिक्कत होगी आप जैसे लिखा गया है वैसे लिख करके आप कोशिश करके देखिएगा, और लेकिन फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट कीजिएगा, रेडी? तो मैं लिखता हूं, 52 स्क्वायर का मतलब क्या है, 52 × 52 है, बेस क्या है 50 है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 अगर इधर ऐड हुआ तो 54 हुआ, 54 50 का नोट है, इसका मतलब 2700 हुआ और 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हुआ। जब भी इसको समझने में दिक्कत हो यहां बगल में लिख के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हम लोग करते ही क्या है, दो ही तो काम करते हैं, एक है 54 यानी कि 2700 और 2 × 2 = 4, 2704 बोलना है तो आप 04 बोलेंगे कि नहीं, अगर आप नहीं बोलेंगे और आप 4 लिख देंगे तो 2704 नहीं होके 274 हो जाएगा, जबकि हमारा है 2700 तो आपको बोलना पड़ेगा 104। इसे समझे? जब भी दिक्कत हो यहां आके देख लीजिए, ये क्या है, बेस क्या है इसका 46 × 46, बेस क्या है 50, 50 से कितना कम है, 4 लेस है, 4 लेस कीजिए, 4 लेस करेंगे 46 में तो 42 होगा, 42 का मतलब हुआ 2100 और जो 4 लेस है 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16। जब भी दिक्कत हो यहां आइए और वेरीफाई कर लीजिए, आखिर करते ही क्या है,
ये है माइनस फोर, ये है माइनस फोर, एक काम ये करते हैं जो 42 होता है यानी 2100 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, यानी फिर हम लोग ऐसे 16 लिख देते हैं, यही लिखा गया। तो अब मैं यहां नहीं आऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, और जब भी प्रॉब्लम होगा यहां आकर के आप चेक कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है बिना कहीं गए डायरेक्ट पेंसिल लिखे। 504 का मतलब 500 बेस है, उससे 4 अबव है, 4 ऐड हुआ 508, उसका हाफ 254,000, 4 का स्क्वायर 16। 500 बेस है, माइनस 3 का मतलब हुआ -3, 494 मतलब 247,000, और -3 का स्क्वायर मतलब 009, क्यों? बेस है 1000 का हाफ 500 वाला, इसीलिए 1000 वाला नीचे लागू होगा, जो आएगा उसे 1000 बना के बोलेंगे, ठीक है। 507 स्क्वायर, बेस क्या है 507, 7 ऐड कीजिए, तो अब जब समझ में आ जाए तो ऐड क्यों करते हैं, अरे दो तो 7 का हाफ 7 होगा, 500 का हाफ 250 होगा, लिखिए ना 257,000, और 7 स्क्वायर 49, तो ऐसे लिखिए ना, जब भी कंफ्यूजन हो यहां आ जाइए और यहां आके चेक कर लीजिए, या आखिर करते क्या है, करते क्या है, अरे इसको 500 को 1000 बनाना है, तो 500 का 250 होता है और 2 to 7 का 7 होता है, क्यों ना बोले और क्यों ना बोले, ये समझे, जब भी दिक्कत हो यहां आके चेक कर लीजिए। आइए, इसका बेस क्या है 500 से कितना कम है 7 इसमें लेस कीजिए तो क्या होगा 486 का मतलब क्या हुआ 243,000, 7 स्क्वायर 49 होगा कि नहीं बोलिए। यहां आइए, प्लस टू और 56 कितना होगा 58 का मतलब क्या हुआ 2900, 6 इंटू 2 12, क्यों हुआ, यहां प्लस 2 है यहां प्लस 6 है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे प्लस 2 लिखे प्लस 6 लिखे, तो ये क्या हुआ प्लस 58 का मतलब 2900, 6 इंटू 2 12, प्लस इंटू प्लस 12, समझे। आगे आइए, ये क्या है माइनस 2, 50 से कम है ना माइनस टू करेंगे तो क्या होगा 42, 50 का नोट का मतलब क्या हुआ 50 का नोट का मतलब क्या हुआ 2100, ये है माइनस 6 और ये है माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 2 12, दिस इज द आंसर। इसमें क्या है माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा 491, 500 का नोट है, एक 500 का नोट यहां रख दीजिए तो क्या बचा 491 है, तो 490 का मतलब हुआ 245,500, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 2 14, 514, ठीक है। प्लस टू ये कितना हुआ 506 का मतलब क्या हुआ 500 का मतलब 250 और 6 का मतलब 253,000, प्लस इंटू प्लस 4 इंटू 2 8008, देखें यहां 8 किए तो कितना हुआ 17, बोलिए 17 नहीं, एक 500 का नोट यहां रख देंगे तो 16, इसका मतलब 250 और 16 का मतलब 8, प्लस 9 8 और प्लस 9 72, 572, बोलिए समझ में आ रहा है। आइए यहां अब बिलो बेस से जब अब बिलो होता है तो क्या होता है लेना फिर उसमें से कुछ देना। आइए यहां माइनस टू का मतलब क्या हुआ 500 का नोट है मतलब क्या है 250,000 है, 250,000 हाथ में रखे रहिए, लेकिन प्लस इंटू माइनस वापस करना है 2 इंटू 2 4 वापस करना है, तो 250,000 में 4 रुपीज वापस करेंगे तो पहले बोलिए 249,000 और 1,000 बचा उसमें 4 रुपीज वापस करेंगे तो बचेगा 996, नहीं समझे फिर से देखिए ये माइनस 2 है तो ये कितना हुआ 500 का मतलब 250,000 और इसमें प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 2 4 ये वापस लेस कीजिए तो क्या होगा 249,996, यही लिखा गया, ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये भी अब बिलो लेना फिर देना ये क्या माइनस थ्री का मतलब कितना हुआ 52 का मतलब कितना हुआ 2600
2600 पे वापस करना है तो लिखिए 2500, 100 हाथ में लिए हुए रहिए। ये क्या है, प्लस इनटू माइनस माइनस, 5 × 3 15 वापस कीजिए, 15 वापस कीजिए, 85। बोलिए होगा कि नहीं। अब बिलो -3 करेंगे तो क्या होगा, 502 का मतलब 251,000। 251,000 में 250,000 रखिए और एक 1,000 हाथ में लीजिए, प्लस इनटू माइनस माइनस, 15 रुपीज वापस करेंगे, कितना होगा, 985। दिस इज द आंसर। मेरा ख्याल है सारे केसेस पर मैंने चर्चा कर ली है और आपको समझ में आ गया होगा। जब भी दिक्कत हो जिस तरह से मैंने लिखा था, लिख करके आप करके देख लीजिएगा। ये इतने काम का है, इतने काम का है कि बार बार मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आपके कुछ न कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आज के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।